कोई गलत काम करे उनका उनके ऊपर गलत गुनाह दाखिल करिए या ईडी सीबीआई को पीछे लगाइए। फिर जो लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं गद्दार लोग, पूरा पुलिस फोर्स उनके सिक्योरिटी में है। ये सवाल पुलिस कमिश्नर को पूछना चाहिए मुंबई के कि आपकी कोई जिम्मेदारी है क्या नहीं। गृहमंत्री राजनीति में बिजी है लेकिन मुंबई के पुलिस आयुक्त तो राजनीति नहीं कर रहे हैं ना, क्या वो भी राजनीति उसके पीछे पीछे घूमकर कर रहे हैं। सलमान खान के ऊपर उनके घर के ऊपर जो फायरिंग हो रही है एक इशारा है। इस मुंबई में कहां भी कभी भी गोली चल सकती है। कोई गलत काम करिए उनका उनके ऊपर गलत गुनाह दाखिल करिए या ईडी सीबीआई को पीछे लगाइए। फिर जो लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं गद्दार लोग, पूरा पुलिस फोर्स उनके सिक्योरिटी में है। ये सवाल पुलिस कमिश्नर को पूछना चाहिए मुंबई के कि आपकी कोई जिम्मेदारी है क्या नहीं। गृहमंत्री राजनीति में बिजी है लेकिन मुंबई के पुलिस आयुक्त तो राजनीति नहीं कर रहे हैं ना, क्या वो भी राजनीति उसके पीछे पीछे घूमकर कर रहे हैं। सलमान खान के ऊपर उनके घर के ऊपर जो फायरिंग हो रही है एक इशारा है। इस मुंबई में कहां भी कभी भी गोली चल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।